आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम देखेंगे एक सक्सेस स्टोरी जय श्री श्रीवास्तव मैम की। जय श्री जी, ये एक हाउसवाइफ है। इनका शॉपिंग मॉल में पैर फिसलने के कारण एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में मेजर फ्रैक्चर हुआ, जिसके कारण वो जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। उस समय उन्हें लगा कि अब वो जीवन में कभी चल नहीं पाएगी। तुरंत उन्हें शहर के काबरा हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर प्रवीण काबरा जी ने उनके पैर की हालत को देखकर उन्हें इंटरलॉक सर्जरी करने की सलाह दी। ये इंटरलॉक सर्जरी यानी स्टील की रॉड, स्क्रू और कुछ क्लैंप के जरिए हड्डियों को सही जगह पे फिट किया जाता है, जिसके कारण बहुत ही कम समय में चलना फिरना शुरू हो जाता है और कोई व्यंगत्व भी नहीं आता है। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए काफी मरीज राजी नहीं होते हैं, उन्हें प्लास्टर करना ही बेहतर लगता है। प्लास्टर करने से कई महीनों तक बेड रेस्ट करना पड़ता है और बहुत बार काफी व्यंगत्व भी आ जाता है। जयश्री जी को डॉक्टर काबरा जी ने अच्छे से दोनों ऑपरेशन के बारे में काउंसलिंग किया, उनके फायदे और नुकसान बताए। तब जयश्री जी ने तुरंत डॉक्टर को इंटरलॉक सर्जरी करने की मंजूरी दी। कुछ ही घंटों में जयश्री जी की सर्जरी हुई और 36 घंटे के अंदर ही जयश्री जी अपने पैरों के ऊपर खड़ी होकर चलने लगी। ये जयश्री जी के लिए अद्भुत चमत्कार जैसा था। आरोग्य जागृति से बात करते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर की बात हमें सुनना चाहिए, डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं। आज मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी, सोचा अब मैं जीवन में कभी सही तरीके से चल नहीं पाऊंगी, लेकिन थैंक्स डॉक्टर काबरा जी जिन्होंने मुझे इंटरलॉक सर्जरी करने की सलाह दी। आज उन्हीं के कारण मैं सही तरीके से पैरों पे चल पा रही हूँ। जिसे इंटरलॉकिंग जो टीबिया के लिए ऑपरेशन होता है, पहले इस ऑपरेशन के लिए पेशेंट को 6 महीने के लिए वेट रहता था, लेकिन आज एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से विदिन 3 डेज में पेशेंट चलने को लग रहा है। आज हम इस मुद्दे पे हम डॉक्टर प्रवीण काबरा सर से डिटेल्स जानकारी लेंगे कि इंटरलॉकिंग नेलिंग क्या होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से पेशेंट का भी टाइम बच गया है और डॉक्टर्स के लिए भी एक अच्छी बात है। मैं डॉक्टर प्रवीण काबरा महेश नगर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। आरोग्य जागृति टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने हमारे ट्रीट किए हुए कुछ पेशेंटों में से कुछ पेशेंट चुने और उनके बारे में सक्सेस स्टोरीज बनाई है, यानी पेशेंट को कैसे बेनिफिट होता है उसके बारे में सक्सेस स्टोरी बनाई है। इंटरलॉकिंग नेलिंग के बारे में वो हमको पूछ रहे थे। इंटरलॉकिंग नेलिंग जैसे औरंगाबाद में हम लोगों ने 1997 में वर्कशॉप लिया था और वो वर्कशॉप पहला वर्कशॉप इंटरलॉकिंग का हमने घाटी में लिया था, वो मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था और उस टाइम से हम यहाँ इंटरलॉकिंग नेलिंग औरंगाबाद में शुरू हो गई। भारत में या बम्बई में थोड़ा पहले शुरू हो गई थी 8-10 साल, और उसके काफ़ी फायदे हैं। जैसे कि आपको अभी बताया कि पेशेंट का मोबिलाइजेशन यानी पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और ऑपरेशन के तीसरे दिन ही पेशेंट चलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से उसकी लोगों पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, खुद के फंक्शन पूरे नॉर्मल आ जाते हैं। हम आजकल ऐसा बताते हैं कि जैसा पहले पाव था वैसा हम आपका पाव वापस से कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पाव में छोटापन या डिफॉर्मिटी यानी शॉर्टनिंग या डिफॉर्मिटी ये नहीं रहती है और पूरी तरह से जो अभी हमने कुछ एथलीट्स के किए हैं, कुछ इनके मीन्स फास्ट काम करने वाले इंजीनियर्स हो गए, ये हो गए, उनके सब में उनको पहले जैसे सब मिल गया। कुछ बच्चों की शादी होने की थी, उसके पहले उनको फ्रैक्चर हो गए, वो उनको डिफॉर्मिटी नहीं हुई। ये सब चीज़ें से बचने का ये बहुत अच्छा रास्ता तैयार हो गया है और ये टाइम टेस्टेड है। अभी करीबन लास्ट 30 साल से ये प्रोसीजर एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब ये प्रोसीजर अब पूरी तरह पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो गई है। फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंटली फ्रैक्चर हो जाता है या फिर चलते चलते गिर जाते हैं, ऐसे में टीबिया फ्रैक्चर जैसा भी बोला जाता है, तो
वो फ्रैक्चर कौन से टाइप का होता है जिसमें इंटरलॉकिंग किया जाता है? वीआ के सभी फ्रैक्चर में किया जाता है। जो जॉइंट के नज़दीक फ्रैक्चर रहते हैं उसमें भी कुछ सिलेक्टेड इसमें इंटरलॉकिंग किया जाता है। बाकी पूरे टीबिया में यानी नी से लगा के एंकल तक जॉइंट लाइन के 1 सेंटीमीटर नीचे जो भी फ्रैक्चर है या जॉइंट लाइन के 1 सेंटीमीटर ऊपर यानी एंकल के जॉइंट लाइन के 1 सेंटीमीटर ऊपर उसको सबको अपने को ये ऑपरेशन करते आता है। डॉक्टर साहब जैसा सक्सेस स्टोरी हम जो बना रहे हैं डॉक्टर मैडम चिलवन मैडम के बारे में, आपने इनका मन कैसा कन्वर्ट किया कि ऑपरेशन इमीडिएट करना चाहिए? आज ऑपरेशन करना है तो काफ़ी डरे रहे थे, मैडम भी बता रही थी काफ़ी डर गए थे, ऑपरेशन नहीं करना है मुझे, मैं वेट करूँगी, लेकिन आपने ऐसा क्या मन बनाया और कौन से काउंसलिंग से उनको ये किया है? जो पेशेंट को काउंसलिंग ज़रूरी है और वो आज आपको तो भगवान मानते हैं कि आपके वजह से वो चल रहे हैं, वो अच्छे से चल रहे हैं, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसका क्या राज? काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रैक्चर ज़िंदगी में पहली बार ही होता है, हर किसी को पहली बार होता है, और पहली बार फ्रैक्चर होने के बाद उन पेशेंट को तो मालूम नहीं है कि इससे क्या होता है। जब वो हमको पूछते हैं कि साहब ये फ्रैक्चर प्लास्टर से नहीं जुड़ेगा क्या, तो हम भी बताते हैं कि प्लास्टर से जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता ऐसा नहीं है, पर उसमें चांस है कि 10% चांसेस है कि वो नहीं जुड़ेगा, तो ये तुम्हारा बच जाएगा। फिर उनको जब पेन हुआ उस दिन और उनको जब वो गिरे और पेन हुआ तो वो पेन में वो चलना भी उठना भी नहीं आ रहा था उनको, वो इतने पैनिक थे और इतने डरे हुए थे कि ये क्या हो गया। तब वो हॉस्पिटल में आने के बाद मैं उनको पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, उनको कच्चा प्लास्टर लगाया, उससे उनका पेन कुछ हद तक कम हुआ। फिर जब उनको हमने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ता तो ये उनके लिए सेकंड इंजरी थी, फर्स्ट इंजरी मॉल में हो गई, सेकंड इंजरी डॉक्टर ने दे दी। तो जब उनको वो डर गए वो कि भाई ये कैसे क्या कि हम इससे प्लास्टर से नहीं हो सकता है क्या, तो उस समय काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी रहती है। वो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको पहले बताई कि कितने फ़ायदे हैं, वो सब फ़ायदे उनको गिनाए गए, वो फ़ायदे गिनाने के बाद उनको वो सब समझ गया, फिर वो रेडी हो गए। पहले दिन तो प्लास्टर में वो सो नहीं सके, फिर दूसरे दिन ऑपरेशन होने के बाद सब पेन चले गया उनका, तब उनको तीसरे दिन चलने के टाइम शुरुआत में उनको डर लगा कि अब मैं कैसे चलूँ, पर जैसे वो चलना शुरू किए तो उनके ख्याल में आया अरे ये तो पेन फ्री है। तो ऐसे काउंसलिंग और पेशेंट का रिस्पांस, उनको कॉन्फिडेंस देना, ये सब चीज़ें मायने रखती है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है पेशेंट। लेकिन आपने आपका इतना सब घर परिवार देख के भी आपने इतना खुद को मेंटेन किया है। सही कहा सर आपने, जब एक औरत का एक्सीडेंट होता है तो पूरा घर उसी पर डिपेंड होता है। मैं 7 अक्टूबर को हम लोग डीमार्ट गए थे सामान लेने के लिए, वहाँ पर रस्सी में पैर अटक के मेरा एक्सीडेंट हुआ और ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी मुझे, तभी पता चला कि फ्रैक्चर तो हुआ ही है। उसी टाइम मेरे हस्बैंड के कलीग है, उन्होंने हमें काबरा हॉस्पिटल जाने के लिए सजेस्ट किया। काबरा सर ने तब तक पूरी तैयारी करके रखी थी और उन्होंने एक्सरे किए, एक्सरे में पता चला कि आगे से और पीछे से टेढ़ी हड्डी टूट गई है, तो इसलिए उन्होंने सेकेंड डे तुरंत ही मॉर्निंग में ऑपरेशन करने के लिए बोला, और तब तक उन्होंने प्लास्टर किया था पैर में, और ऑपरेशन तो करना ही था। सर ने समझाया, मैडम मैं आपको 3 दिन में खड़ा कर देता हूँ, और घर पे मेरी बेटी थी अकेली, उसका चेहरा सामने आया और ऑपरेशन के लिए हिम्मत मिल गई। सेकेंड डे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन इन्फेक्शन नहीं हुआ, ऑपरेशन ठीक से हुआ, इसलिए मैं 4 दिन में ही घर पे आ गई। लेकिन घर पे आने के बाद फिर मैंने ख्याल रखा, मेरे हस्बैंड ने मेरा ध्यान दिया, हमारी मेड ने टाइम से दवाई खाना सब मुझे मैं बैठ के थी उस वक्त, कोरोना इतना ये था, कोरोना की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई रिलेटिव्स भी नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। और 2 साल से मैं योगा करती हूँ, इसका भी मुझे इस ऑपरेशन में बहुत फ़ायदा हुआ। फिजियोथेरेपी के बाद रेगुलर फिजियोथेरेपी की और
सर का कहना है कि बाकी पेशेंट के मुकाबले मेरा रिकवरी रेट फास्ट है। नहीं मैडम, जैसा बताया क्या आज अगर समझो आप जब आपका गिर गए, आप फ्रैक्चर हुआ है जिस दिन आपका, तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आता है? अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अब आगे क्या होगा, मैं कैसे, मैं चल पाऊंगी या नहीं, मैं जैसे दौड़ दौड़ के सारे काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ या नहीं, ये ख्याल मन में आए। डर तो लग रहा था, लेकिन अभी एक्सीडेंट हुआ है तो उसको फेस करना है, उसको फेस करना पड़ेगा। और अब एक बार एक्सीडेंट हो गया है तो उस पर अभी नई नई टेक्निक्स के एडवांस टेक्निक अवेलेबल है उस पर, और जिससे मतलब पहले जैसा था कि ऑपरेशन कुछ अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो 6-6 महीने प्लास्टर लगा के बैठना पड़ता था, आज वैसा नहीं है, रॉड डाल दिया, ऑपरेशन किया, लेकिन 2-3 दिन में घूम फिर सकते हैं, अपना काम खुद कर तो सकते हैं, एटलीस्ट एक जगह बैठ के रहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर, मैं जैसे ही मेरा डिस्चार्ज हुआ, मैं घर पे आई, तब से मैंने मोबाइल को खुद से दूर किया, पहला सोशल मीडिया को खुद से दूर किया, और एकदम शांत रिलैक्स खाओ पियो और आराम करो, यही फॉलो किया। सर ने जो इंस्ट्रक्शंस बताए थे वो फॉलो किए, दवाई गोली टाइम से ली, इसकी वजह से रिकवरी जल्दी हो। मैम जैसा कि आपने बताया कि आप 2 साल से योगा रेगुलर करते हो, आपको एक्सरसाइज करने से फ्रैक्चर में क्या बेनिफिट हुआ है? मसल स्ट्रांग होने की वजह से उनका हमारी हड्डियों पर ज़्यादा वजन नहीं पड़ता है, हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारे डायरेक्ट हड्डियों पर नहीं पड़ता है, इसलिए रोज़ाना योगा करना चाहिए। मैं 2 साल से योगा करती हूँ, मेरे स्लिप डिस्क में जो मेरे पैर में जो स्लिप डिस्क है, मुझे उसकी भी कुछ तकलीफ़ नहीं हुई इस ऑपरेशन में। मैं 4 महीने बैठ के थी, मतलब चल फिर सकती थी लेकिन कुछ काम नहीं कर सकती थी ऑपरेशन की वजह से, लेकिन मुझे इसकी कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैम कुछ भी मेडिकली प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट एक जगह बैठे रहता है, इसकी वजह से वजन बढ़ता है, बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। आपने ये इतना होने के बाद भी, 3 महीना आपने जो बेड रेस्ट किया है, इतना होने के बाद भी आपने वजन कैसा मेंटेन किया, डाइट कंट्रोल कैसा किया? 3-4 महीने तक मैं कुछ योगा वो नहीं कर पाती थी, लेकिन सर ने जो एक्सरसाइज बताए थे बैठे बैठे जो करने हैं वो सब मैं डेली करती थी, और जैसे ही योगा कर सकती थी मैंने योगा स्टार्ट किया, सुबह 1-1.5 घंटा योगा, एरोबिक्स, जैसे जैसे पॉसिबल हुआ वैसे वैसे किया, और इससे फिर वजन भी कंट्रोल में है और डाइट पर भी ध्यान दिया। मुझे काबरा हॉस्पिटल में जाने से आपको काउंसलिंग अच्छे से मिली है, इसलिए आपने ऑपरेशन का डिसीजन लिया है। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना है सर, मुझे प्लास्टर से ही अच्छा करिए, चीरफाड़ नहीं करना है, ऐसा लोगों का मतलब समझ है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों में डिसेबिलिटी आ जाती है। यह प्लास्टर लगाने से 6-6 महीना अगर प्लास्टर रहता है तो जॉइंट्स मूवमेंट में प्रॉब्लम आते हैं, इसकी वजह से डिसेबिलिटी आती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको समझाया, काउंसलिंग किया, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया है आप जो बता रहे हैं, और उसमें आपने डॉक्टर के काउंसलिंग से क्या हासिल किया और क्या आपको मोटिवेट लगा कि मेरे को करना चाहिए? पहली बात, हम सब लोग तो ऑपरेशन के नाम से ही डर जाते हैं, मैं भी डर गई थी। मैंने सर को बोला सर मेरा ऑपरेशन मत कीजिए, आप प्लास्टर ही कीजिए, तो सर ने बताया आपकी हड्डी सामने से और पीछे से टेढ़ी टूटी है, अगर हम प्लास्टर करेंगे तो आपको 6 महीने एक जगह सो के रहना पड़ेगा और वो टेढ़ा जुड़ेगा, और इस रॉड के ऑपरेशन की वजह से वो एकदम सीधा जैसे पहले था मेरा वैसे ही एकदम पहले जैसा ही जुड़ेगा, और पहले जैसा आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, सब काम कर सकते हो, बोला सर ने, इसलिए मुझे हिम्मत आई। तो 4 महीने पहले जब आप गिरे थे, 6 महीना पहला, जब का और आज का माहौल आपके सोच में, आपके परिवार में ये कैसा महसूस कर रहे हो, यानी आपने जो पहले सोचा था मैं अब मेरा क्या होगा, यहाँ से आप पॉजिटिव कैसा बताना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और मैं ऐसा थोड़ा चलते टाइम थोड़ा पैर में लचक आ जाती है, ये सब ख्याल मेरे मन में आते हैं, वो तो बोलते हैं तुम एकदम सही हो। तो हम यही चाहते हैं कि आप भी, कोई भी अगर हादसा होता है तो उसे सामना करिए और पॉजिटिव थिंकिंग से करिए। थैंक यू, धन्यवाद।